सिंध हाई कोर्ट ने सिंध स्पीकर असेंबली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 24 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। आगा सिराज दुरानी ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए जमानत के लिए अदालत से रुजू किया है। स्पीकर सिंध असेंबली ने दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया कि नैब अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, इंक्वायरी खत्म करवा कर जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासों के मुकदमे में गिरफ्तार आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी को चैलेंज और जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था और दरख्वास्त में चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। स्पीकर सिंध असेंबली ने मौकफ इख्तियार किया है कि 18 फरवरी को कॉल अप नोटिस जारी करके 25 फरवरी को तलब किया गया। मैं शेड्यूल बनाकर 19 फरवरी को इस्लामाबाद गया तो 19 फरवरी को चेयरमैन नैब ने वारंट जारी कर दिए और 20 फरवरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी का तरीकेकार कानून के बरखिलाफ था, मुझे सियासी इंतकाम की खातिर गिरफ्तार किया गया। घर पर छापे के दौरान खवातीन से बदतमीजी की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि नैब अब तक मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका और इस्तदा की नैब रिमांड ले रहा है मगर जवाज अब तक पेश नहीं कर सका। गिरफ्तारी के तरीकेकार को गैर कानूनी करार दिया जाए और मेरे खिलाफ इंक्वायरी को खत्म और जमानत पर रिहा किया जाए।